Yes, That so you are doing fine, sir. The values and get the values. So, yes. But first problem is to memorize the formula. Let's see if how good I am at memorizing. okay. Now move to another slide and we discuss about that. This is our bivariate. In the last lecture we discussed the single variable, now y is equal to beta 1 plus beta 2 x and mu, and beta 1 we only calculate only one variable, one relationship between independent and explanatory variable, dependent and independent. Here we have our two variable, no? Y is equal to beta 1 beta 2 x 1 beta 2 x 2 and mu. यानी इसमें दो एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गए एक्सप्लेनेटरी दो वेरिएबल हो गए और डिपेंडेंट तो एक ही होता है, यू नो दैट जी डिपेंडेंट इज आवर वाई वेरिएबल एंड इन इंडिपेंडेंट साइड वी हैव अ टू वेरिएबल, ठीक वन है इज एंड एक्स टू. सो यहां पे भी आप वही वही फार्मूला यूज करेंगे, वाई वाई इज इक्वल टू you know that y is equal to beta 1 hat plus beta 1, this is our estimated value, and we after that we calculate the beta 1 and beta 2 like last lecture mein humne discuss kiya tha ki wo humne is tarah kiya tha ki aise hi kiya tha na, mu is equal to pi minus beta 1 minus beta 2, is tarah kiya tha na, x 1 माइनस बीटा थ्री एक्स थ्री प्लस म्यू, ऐसे किया था ना कुछ. तो वी कैलकुलेट दीज वैल्यूज एंड वी आल्सो फाइंड द बीटा वन एंड बीटा टू. इसी तरह यहाँ पे भी वही सिंपल सा मेथड है और वही सारे स्टेप्स हैं कि हमने बीटा वन कैसे निकालना है, बीटा टू उसका वेरियंस ऑफ बीटा वन कैसे निकालना है, वेरियंस ऑफ बीटा टू किस तरह निकालना है, और स्टैंडर्ड एरर टर्म का स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालना है, उसमें में वैल्यूज पुट करनी है. वी गेट अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट दीज वैल्यू एंड दीज यू ऑन बीटा 1 बीटा 2 एंड सो ऑन, वी कैन जनरेट द मॉडल दैट वी हैव अ बीटा 1 वैल्यूज बीटा 2 वैल्यूज एंड बीटा 3, एंड वी आल्सो मेक अ हाइपोथेसिस दैट बीटा 1 इज इक्वल टू 0 एंड बीटा 1 इज नॉट इक्वल टू 0, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. आफ्टर दीज हाइपोथेसिस वी calculate the values, put into the beta values, and we discuss that if our calculated values are greater than tabulated value, that's not reject, otherwise that's not accept. वही वाला सारा सिस्टम है. ओके जी सर. अब देखें आगे नेक्स्ट. अब वहां पे हम पॉपुलेशन जो है ना उसको डिस्कस कर रहे थे, वी कैलकुलेट द बीटा 1 एंड बीटा 2 पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को हम कैलकुलेट कर रहे थे. नाउ वी कैलकुलेट द सैंपल रिग्रेशन. आपको पता है पॉपुलेशन में से सैंपल हम उठाते हैं, हमारे पास पॉपुलेशन होती है और पॉपुलेशन से हम क्या करते हैं, सैंपल को उठाते हैं. आपको पता है कि पॉपुलेशन हम सर्वे करते हैं, तो पॉपुलेशन का सर्वे उसमें से सैंपल को हम उठा के उनको एस्टिमेट कर रहे होते हैं, और सैंपल की जो वैल्यू होती है उसको हम मैच करते हैं पॉपुलेशन की वैल्यू के साथ उसका मीन और वेरिएंस, और फिर वी आर एबल टू डिस्कस दैट के ओवर एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू एस्टिमेटेड वैल्यू आर नॉट. ओके जी सर. द टोटल वेरिएशन, व्हाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, यू नो व्हाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं. म्यू इज द रेजिड्यूल, रेजिड्यूल यू नो दैट कि आपने मॉडल में एक ही वेरिएबल उठाया हुआ है एक्स, तो मे बी इस मॉडल में 8-9 वेरिएबल आए, बाकी वेरिएबल को आप छोड़ देते हैं रेजिड्यूल में. जिस तरह आप कहते हैं कि बादल जो है बादल की वजह से बारिश बरसती है, तो बादल तो आपने ये ले लिया है, बादल के अलावा आप अदर वेरिएबल भी होते हैं, क्योंकि सूरज जब समुंदर के ऊपर पड़ता है तो उसकी वजह से जो बहारात बनते हैं तो बारिश बरसती है. दिस इज आल्सो अ मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर, यही होता है ना जी बिल्कुल. उसके अलावा समंदर के पानी के अंदर नमकियात भी होती हैं जो वाटर को इवेपोरेट करती हैं, वो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है उसमें, तो उसकी वजह से भी बादल होते हैं. तो ये सारे बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनको हम एरर टर्म में डाल देते हैं सेपरेटली, हम बेसिकली रिलेशनशिप चेक करते हैं बादल का बारिश के साथ. ओके, तो म्यू इज द रेजिड्यूअल टर्म,
वी से दैट, तो वाई जो है ना, वाई मीन दैट द टोटल वेरिएशन इन वाई, टोटल टोटल वेरिएशन वाई का मतलब ये है. और ये जो है ना, ये एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं. और म्यू जो है वो आपके पास है जी रेसिडुअल एरर टर्म जो होगी. तो इट्स मीन दैट वाई इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ स्क्वायर, इट्स मीन दैट टी एस एस, टी एस एस मीन टोटल सम ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्सप्लेनेटरी टी एस एस विच इज इक्वल टू टी एस एस एक्सप्लेनेटरी सम ऑफ स्क्वायर. और प्लस एक्सप्लेनेटरी कौन से होते हैं ना, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ, ये बीटा वन और बीटा टू, ये सारा ये इस पोर्शन को एक्सप्लेनेटरी सम ऑफ स्क्वायर है. वाई जो है ना ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर है, इसको टी एस एस कहते हैं. टी एस एस इज इक्वल टू ई एस एस एक्सप्लेनेटरी सम ऑफ स्क्वायर प्लस ये जो दिस इज ओवर एरर टर्म जो जो फॉर्मूला है उसको हमने बताया है इन वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, टर्म ऑफ सम ऑफ टोटल स्क्वायर्स, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स एंड रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स. ठीक है सर. तो वही लाइन हमने ड्रा की थी ना, एक लाइन आपको मैंने कहा था बेस्ट फिटेड लाइन लास्ट टाइम जो क्लास ली थी आपकी. ओके जी जी, हमने बेस्ट फिटेड लाइन की बात की थी. तो दिस इज ओवर एक्चुअल डाटा लाइन, ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये दिस इज ओवर एक्चुअल डाटा लाइन. Y is equal to beta 1 plus beta 2 x plus mu. This is actual line. Okay. 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 This is over estimated line. वो जिसमें हमने beta 1 और beta 2 calculate कर लिए. This gap from this line to this line, this is over error term, residual. We say that, we know that y is equal to, y किसके equal था? We know that u is equal to error term, u is equal to y actual minus y hat estimate. एक्चुअल में से जब एस्टिमेटेड को माइनस करेंगे बाकी जो टर्म बच जाएगी उसको रेसिडुअल कहेंगे. और ये देखें, ये है हमारी एक्चुअल लाइन है, दिस इज ओवर एस्टिमेटेड लाइन जो हमने कैलकुलेट कर ली है. तो इसका जो ये जो दरमियान में गैप आ रहा है, ये बेसिकली हमारा एरर टर्म है, रेजर टर्म जैसा लाइक हमने लास्ट टाइम में पढ़ा. ये टीएसएस है ना, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ये एक्सप्लेनेटरी सम ऑफ स्क्वायर और रेसिडुअल. ये टोटल में से जब एक्सप्लेनेटरी सम ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे तो बाकी जो बचेगा वो रेजर्ट हो जाएगा. ये हमारे पास टोटल है, ये हमारे पास एक्सप्लेनेटरी है जो हमने कैलकुलेट कर लिया है बीटा वन और बीटा टू. इसका जब इससे माइनस करेंगे तो ये जो बाकी चीज बचेगी ये बेसिकली हमारा रेसिडुअल टर्म है. ओके ओके सर, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर. मूव टू अनदर वन. Here we see that coefficient of determination. अब आपको ये पता करना है ना कि ये जो variables है ना, ये वाला ये x variable, कौन सा variable? x. This x variable how much explain the y variable? यानी x में values रखने से हमें y में कितनी values आती हैं? This is basically called the R square. R square क्या बताता है? के हाउ मच एक्स वैल्यू एक्स वैल्यू ऑफ एक्स एक्सप्लेन द वाई वेरिएबल, कि एक्स कितना हमें बता रहा है कि
जो है ना वाई को एक्स कितना एक्सप्लेन कर रहा है कि बादल जो है वो बारिश की वजह से होते हैं, हमें कितना एक्सप्लेन कर रहा है एक्स वेरिएबल के एक्स की वजह से वाई वाई होता है, यानी एक्स बादल होते हैं किसकी वजह से, बादलों की वजह से क्या होती है बारिश, बारिश। तो इट्स मीन दैट इट मीन 80%, अगर आर की वैल्यू 80% आए, आर की वैल्यू जीरो देखें ग्रेटर देन जीरो होती है, इक्वल टू जीरो और इक्वल लेस देन आर इक्वल टू वन, वन वन और जीरो के दरमियान आर की वैल्यू होती है, आर की वैल्यू होती है बिटवीन जीरो एंड वन। अगर आर की वैल्यू जीरो है, अगर आर की वैल्यू कितनी होगी भाई, if your r value is equal to 0, it's mean that the x variable cannot explain the y variable. हमने इधर सेंट ले लिया है, रेत ले लिया, और रेत की वजह से हम कह रहे हैं बारिश हो रही है, तो x जो है वो y को explain ही नहीं कर रहा है, it's mean that the r is equal to 0. There is no relationship association between x and y. Okay? Understand? Yes, sir. If your R value, यहाँ पे देखना R की value अगर होती है 0.80 हो जाती है, यानी इसका मतलब ये है कि 1 का मतलब ये है कि 100%, 1 का क्या मतलब है जी 100%, 80 का क्या मतलब होगा फिर कितने परसेंट, 20%, 20%, 80%, 80%, और 20 का मतलब है 20%, जी जी, और 90 का क्या मतलब है, 90 का 0.9 का परसेंट, 90 का 90%। तो आप देखें कि अगर ये x वैल्यू यहाँ का जो r वैल्यू है ना वो कितनी आ रही है, पॉइंट कितनी आ रही है फिर यहाँ पर, तो 0.1780 r स्क्वायर आ रही है 0.80, आर स्क्वायर कितनी आ रही है 0.80, इट्स मीन दैट द एक्स वेरिएबल एक्सप्लेन 80% ऑफ वाई वेरिएबल, यानी 80% ये एक्सप्लेन कर रहा है कि बादल जो है उसकी वजह से 80% ये एक्सप्लेनेशन हो रही है कि बारिश होती है, बाकी जो रिमेनिंग 20% है ना आपका, वो आपका किस में चला जाएगा, इसमें, यानी ये वेरिएबल जो x का वेरिएबल है अभी कितना परसेंट एक्सप्लेन कर रहा है 80, 20% आप क्या कर रहे हैं एरर, 20% आपका वो वेरिएबल है जो 20% एक्सप्लेन, उसको हमने एरर टर्म में डाल दिया है, तो हमारे इसका मतलब ये हुआ कि बादल जो है हमारे पास बादलों की वजह से बारिश हो रही है 80% ये श्योरिटी है, कितने परसेंट श्योरिटी है 80%, समझ आ गई है जी, यानी 80% हम ये श्योर हैं कि ये बादल जो हैं उनकी वजह से क्या हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बाकी जो 20% हम इंश्योर हैं अबाउट दीज वेरिएबल, तो वो ये भी हो सकता है कि जो समंदर के ऊपर सूरज पड़ता है तो उसकी वजह से भी बादल बनते हैं, या फिर बारिश के और भी फैक्टर हो सकते हैं, जिस तरह वेदर चेंज, ये जो क्लाइमेट चेंज है मौसमी तब्दीलियों की वजह से भी बारिश हो रही है, दीज आर ऑल द वेरिएबल वी पुट इनटू द एरर टर्म, सो हियर वी से दैट ओवर एक्स वेरिएबल इज 80% एक्सप्लेन दैट द जो हमारे पास जो रेनफॉल हो रही है ड्यू टू क्लाउड जी, ओवर 80% वी एक्सप्लेन दैट 80% दैट क्लाउड्स कैन ब्रिंग द रेनफॉल इन ओवर कंट्री, ओके ओके, मूव टू अनदर स्लाइड, इधर आप मुझे आप एक्सप्लेन करें ये क्या मॉडल कह रहे हैं, तीन मॉडल हैं आपके, 90% मॉडल 1 शो 90% इज ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
सर ये आर स्क्वायर 0.9 है तो इसका मतलब ये है, ठीक है 90% है, मतलब 90% जो है ये सही है, ट्रू है, यानी 90% जो है ये एक्स वेरिएबल एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्स वेरिएबल की वजह से वाई में जो वेरिएशन है वो 90% हो रही है। बिल्कुल, यानी कि ये 90% सही है और जो नीचे वाला है वो 50% है, मतलब ये कि जी बिल्कुल बाकी 50% जो है वो अनश्योर होता है, बाकी 50% हम एरर में डाल रहे हैं, 90% हमारा श्योर है कि ये वेरिएबल जो है 10% एरर में है, 10% एरर में, एरर में यानी अदर देन कोई वेरिएबल भी हो सकते हैं जो 10% है, ठीक। और नीचे वाले में सर वो है कि 10% हम श्योर है और 90% अनश्योर है, तो और इनमें से मॉडल कौन सा अच्छा है? मॉडल सबसे अच्छा तो वही है जिसमें ज्यादा श्योर है हम, तो वो सबसे पहला जो मॉडल 1 है, मॉडल 1 गुड, अब आपको समझ आ गया है जी सर। Our first model is accurate model. Where we choose the variable which is 90% explain the y variable. Na? X is the independent variable, y is dependent variable. X की वजह से जो variation आ रही है y में वो 90% हम sure हैं. दूसरे model में जो है 50% है और तीसरे में 1% है, 10% है. It means that model 1 is very best model for us, which determine that 90% and जो वेरिएबल हमने इंडिपेंडेंट साइड पे ले रहे हैं लिए हुए हैं इट एक्सप्लेन द 90% टू वाई वेरिएबल। मुश्किल है? नहीं नहीं, ये मतलब ये इसके फार्मूले देखने पड़ेंगे तो इंशाल्लाह कोई जा रहे कि ये चीजें कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि भाई जो आर स्क्वायर है That defines surety, जितना और R square 0 से 1 के बीच में होता है, तो अगर ये 0.95 है, means 95% surety है, और ये मतलब it varies, और ये नीचे जो R square की value है, वो 10 मतलब 0.1 का मतलब है कि 10% ये assurance दे रहा है और 90% ये unsure है, ये concept तो समझ में आ गया, बिल्कुल। Next, here we see that Y1 is equal to beta 1 at plus beta 2 at x plus mu, so y bar is equal to beta 1 plus beta 2 x, okay, so ye hamare paas kya hai basically ki ye hamare paas hai beta 1 aur at aur beta 2 at humne find out kar diye, ye humne is model ka average liya hai, y bar ka matlab hai aapko pata hai average hota hai aur beta 1 at constant ka to average constant hi hota hai lekin jo variable hai uska average x bar, जब इनका हम डिफरेंस लेंगे टेकिंग द डिफरेंस फ्रॉम ये जो वैल्यूज है ना y बार की इस मॉडल में इनको पुट करते हैं y माइनस y बार इज इक्वल टू बीटा 2, ये देखें बीटा ये बीटा 2 y कांस्टेंट आ जाएगा और ये कॉमन आ जाएगा और x t माइनस x बार t आ जाएगा प्लस में, तो ये हमारे पास यानी ये हमारे पास ये शो करता है डेविएशन, ये बेसिकली शो कर रहा है हमारा डेविएशन, ये किस तरह हुआ है आप ये एक्सप्लेन करना चाहिए ना, ये देखें y t जो फर्स्ट है उसमें से हम माइनस करते हैं y t बार को, y t बार ये हमने माइनस कर दी इज इक्वल टू ये जो बीटा 1 एट ऊपर भी है ना बीटा 2 एट बीटा 1 ऐड नीचे भी है ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे ये सेम वैल्यूज हैं तो ये तो जीरो आ जाएगी हमारे पास ऊपर फिर एक और टर्म आ रही है बीटा 2 जो है ना वो कॉमन आ जाएगा क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं किस में से एक्चुअल एक्स टी में से एक्स टी बार को माइनस कर रहे हैं ये हमारे पास ये आ जाएगा ये कॉमन आ गया और म्यू टी एरर टर्म जो है वो ऊपर वाला आ जाएगा तो बेसिकली दिस इज आवर मॉडल वाई टी इज इक्वल टू बीटा 2 एट एक्स टी इसको हम कहते हैं रिड्यूस फॉर्म मॉडल ये हमने क्या कर दिया रिड्यूस कर दिया इसको हमने रिड्यूस कर दिया दिस इज कॉल्ड द रिड्यूस समझ आ गई ये जी जी ये हमने इसको कर दिया रिड्यूस नाउ मूव टू अनदर स्लाइड y t आपको मैंने गाया ये t s s है टोटल सम ऑफ स्क्वायर बीटा 2 एट x t प्लस म्यू t वही वाला पिछले वाला जो चीज है ना ये वाली जो चीज है ये y t - y t बार साथ सम लगा दिया
सम लगा के वाई टी माइनस वाई टी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा 2 हैट का स्क्वायर सम ऑफ एक्स टी माइनस एक्स बार प्लस सम ऑफ म्यू का स्क्वायर. तो दिस इज ओवर कॉल्ड द टीएसएस टोटल सम ऑफ स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड हमारे पास ईएसएस एक्सप्लेनेटरी सम ऑफ स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड आरएसएस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर. ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर है, ये एक्सप्लेनेटरी सम ऑफ स्क्वायर है, ये रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर. टीएसएस ईएसएस आरएसएस ठीक है. अब नो वी डिवाइडेड होल इक्वेशन बाय टीएसएस. इसको भी हमने टीएसएस के इसको भी हमने टीएसएस और इसको भी हमने टीएसएस से डिवाइड किया. टीएसएस टीएसएस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस आरएसएस ओवर टीएसएस. तो ये जो 1 माइनस आरएसएस ओवर टीएसएस है ना, बेसिकली दिस इज ओवर आर स्क्वायर. 1 आपको पता है कि आर की वैल्यू 1 0 से 1 तक होती है. 1 में से जब हम ये आरएसएस ओवर टीएसएस को माइनस कर लेंगे तो बाकी हमारे पास ईएसएस ओवर टीएसएस आ जाएगा. और आरएसएस अपॉन टीएसएस कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता. 1 से ज्यादा नहीं, ये 1 से कम ही होगा, यानी 0.9 होगा, 0.8 होगा, 0.7 होगा, 0 भी हो सकता है, लेकिन 1 से ऊपर नहीं जा सकता. तो ये देखिए, ये रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर का रेशियो है, यानी रेसिडुअल जो हम एरर कर रहे हैं उस वो 1 में से रेसिडुअल माइनस करेंगे तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा ईएसएस ओवर टीएसएस, यानी एक्सप्लेनेटरी. यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हाउ मच एक्सटेंड द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो आर की कोई वैल्यू आ जाएगी 90% या 50% या 10% जो भी वैल्यू आएगी, दिस इज ओवर आर वैल्यू. ओके माइंड एनी प्रॉब्लम? नो सर. ये देखें, ये अगर मल्टी वेरिएट हमारा मॉडल है, वो सिंगल वेरिएट था, ये थोड़ा बाई वेरिएट है, इसमें x1 भी है x2 भी है, थोड़ा इसको एक्सपेंड कर दिया, इसका ये फार्मूला होगा और इसके थ्रू भी tss is equal to ess plus rs. तो वी कैलकुलेट हियर, तो दिस इज ओवर. ये आपको ये इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी अबाउट एनीथिंग अबाउट दिस मॉडल. मोहम्मद वकास जी सर, एनी प्रॉब्लम यू कैन? नो सर, एट ऑल, नो नॉट एट ऑल. ओके तो हियर वी सी दैट आरएसएस इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आरएसएस ओवर टीएसएस. 1 माइनस आरएसएस ओवर टीएसएस. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आरएसएस को n माइनस k से हम डिवाइड करते हैं, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, k वो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम, और n माइनस 1 से ये जब करेंगे 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस एस टी एस एस. जब ये देखना आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आर एस एस ओवर टी एस एस. तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है जी 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस एस ओवर टी एस एस. यानी हम क्या करेंगे कि ये जो आर एस एस ओवर टी एस एस है, इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे और ये आर स्क्वायर को इधर ले आएंगे. ये देखें, ये 1 माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा वो ई एस एस ओवर टी एस एस. तो अब हम क्या करेंगे कि नाउ वी 1 माइनस आर स्क्वायर इनटू 1 माइनस आर इनटू एन माइनस 1 ओवर एन माइनस के. ये जो हमारे पास ये वैल्यूज है ना, एन माइनस आर एस एस ओवर एन माइनस के ओवर एन माइनस 1. अब हम इनमें वैल्यूज पुट करते हैं कि अगर हमारे पास ये आर की वैल्यू 0 है तो एडजस्टेड आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस के ओवर एन माइनस के. के इज ग्रेटर देन 1 तो आर स्क्वायर इज नेगेटिव. आर स्क्वायर आपको, आपने एक बात मुझे खुद बताई थी कि आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है 0 से लेके कौन तक होती है भाई? आर की वैल्यू कौन तक होती है? 0 से 1 तक. 1 तक. तो आर स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता. आर स्क्वायर कभी नेगेटिव, आर स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता. 0 से 1 होगा, 0 से 1 होगा.
तो ये इसमें हम जब पुट करेंगे दो वैल्यू, ये जो हमारे पास आर आर बार का स्क्वायर आया ना, ये इसको कहते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं? एडजस्टेड आर स्क्वायर। इसका इसकी मिसाल ये है ना कि ये जो आर स्क्वायर है ना एडजस्टेड आर स्क्वायर, जिस तरह एक गाड़ी चल रही है ना, तो गाड़ी चलते चलते उसकी अगर ब्रेक फेल हो जाए या आर स्क्वायर ओवर शूट हो जाए, तो उस वक्त हम आर स्क्वायर की वैल्यू मतलब हमारे पास 100% आ जाए, यानी 1 आ जाए। आपको पता है जब इकोनोमेट्रिक मॉडल में आर स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाए, इट मीन के इकोनोमेट्रिक ही हमारा सब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये मैथ बन जाएगा फिर। इकोनोमेट्रिक तो बेसिकली एरर टर्म को एक्सप्लेन करती है, तो 2+2=4 ये मैथ में हम ये कहते हैं ना, और स्टैट में हम इकोनोमेट्रिक में कहते हैं 2+1=4, दरमियान में एक एरर टर्म भी ई भी होता है। तो जब एरर टर्म खत्म हो जाएगा, हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्यूरेटली इक्वल टू 1 आ जाएगा, इट मीन कि हमारा मॉडल जो है ओवरशूट कर जाएगा, ओवरशूट आर स्क्वायर करेगा। तो उस वक्त हम आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं देखेंगे बल्कि एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे तो हमारा मॉडल ही मैथमेटिकल बन जाएगा, हमने तो इकोनोमेट्रिक्स को ही खत्म कर दिया है। उस वक्त जब आर स्क्वायर बहुत सारे वेरिएबल में ओवर शूट हो जाता है, तो हम उस वक्त एडजस्टेड आर स्क्वायर को देखते हैं। अंडरस्टैंड? जी सर, ये समझ आया क्या मैंने कहा है? जी सर, थोड़ा थोड़ा समझ में तो आया ही है। मैं कह रहा हूँ कि मतलब देखे ना, ये आर स्क्वायर हमारा एक्सप्लेन कर रहा होता है जिसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान में होती है। अगर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट मीन दैट द एक्स इज 100% एक्सप्लेन वाई। तो आपको पता है इकोनोमेट्रिक्स के अकाउंट भी 100%, और हमारी इकोनॉमिक्स में तो वी कैन से दैट देयर इज सम एरर, ह्यूमन बीइंग एरर। और अगर मैथमेटिक्स में हम कहते हैं 2+2=4, क्योंकि वो नेचुरल फंक्शन है और वो 4 हो सकता है, लेकिन इकोनोमेट्रिक में वी कैन से दैट 2+1+E=4, E इज ओवर एरर टर्म। अगर R की वैल्यू एकदम 1 हो जाएगी, इसमें ये मैथमेटिक्स ही हो गई, तो ये बेटा हमारा इकोनोमेट्रिक सब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा ना, जो हम पढ़ रहे हैं इतना इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इट कांट बी पॉसिबल। तो अगर वो आर स्क्वायर अगर बातों का ओवरशूट कर भी जाता है और इक्वल टू 1 हो जाता है, तो उस वक्त हम इस आर को नहीं देखेंगे बल्कि किसको देखेंगे, किसकी वैल्यू को देखेंगे? एडजस्टेड आर को, इसको देखेंगे। बेसमेंट इसको जब हम फार्मूले से करते हैं n-1/n-k, ये एडजस्टेड आर स्क्वायर का फार्मूला ये नीचे आ रहा है, आर स्क्वायर हैट इज इक्वल टू 1-k n-1। जी सर, ये समझ में आया। आर स्क्वायर अगर वो ओवरशूट करके 1 भी आ जाए या किसी वजह से, तो हम उसको एडजस्ट करते हैं, और फिर एडजस्ट करने का ये तरीका नहीं, उसके बैकअप पे एक और आर स्क्वायर होता है जिसको एडजस्टेड आर स्क्वायर कहते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा आर स्क्वायर की वैल्यू से कम होती है, 0.10 कम होती है। अच्छा, ये मॉडल को ट्रूली एक्सप्लेन करेगा, ये आर स्क्वायर नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, कौन करेगा? आर एडजस्टेड स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो टुडे दिस टॉपिक आई थिंक दिस इज एनफ, एंड इफ यू रिजॉल्व absorb these topics, these are very essential topics for you, and I will send you all these slides which have already been discussed. Okay sir. क्या कहते हैं? Enough है या आगे भी करने? नहीं सर, अगर आप इतना समझते हैं enough है, क्योंकि ये है तो उसको मुझे repeat करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसको बैठ के, तो slide मुझे भेज दें kindly, मैं इसको बैठ के पढ़ लेता हूँ। I will send